ऐसे सिचुएशन में जी रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारी मां ये चुपचाप सह रही है। हमारे पुलिस एक आवाज है, नहीं हमें लड़ना चाहिए। पहले दिन हमने वहां भी इंग्लैंड में फेंका था, उसका 17 दिन का धरना देकर के उसे बंद करवाया था, और यह तो हमें बंद करवाना है। हमने अर्जी की स्वराज अभियान को, और हमारे परमानंदर लिए योगेंद्र जी आपके सामने उपस्थित हैं इस जन सुनवाई में कि हमारी समस्याओं को सुनेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारी लड़ाई को वो आगे मजबूत धार दें। हमने दो आरटीआई लगाया है, दिल्ली सरकार में और एक दिल्ली पुलिस में। मेरे पास कॉपी भी है उसकी, जो भाई देखना चाहेंगे वो देख सकते हैं। दिल्ली सरकार से एक लिस्ट हमने लिया लीकर शॉप का, तो उसमें 879 लिस्ट है लीकर शॉप का। फिर अनुपम जी से हमें पता चला कि इस सरकार ने सिर्फ 58 ठेके ज्यादा खुले हैं, इस सरकार में 58 खुले हैं। मैं आंकड़ा लगा रहा हूं कि ये 289 हो रहा है, 289 उन्होंने खोला। फिर कल परसों फिर पता चला है कि नहीं, वो तो वो भी छोटा है, ये तो 400 का आंकड़ा छू रहा है, उसके नजदीक पहुंच चुका है। 400 का आंकड़ा है मतलब डेढ़ गुना हो गया। आजादी के 70 साल में इतनी वृद्धि आज तक नहीं हुई पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी किसी राज्य में नहीं। और शराब का दुकान उन्होंने इतना ज्यादा खोला है, और वो कौन लोग हैं जो नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हम पंजाब को दुनिया से मुक्त करेंगे और दिल्ली को क्या करेंगे? यही जलालत भरी जिंदगी हमारी मां बहनों की, हम इसे नहीं सहेंगे। पहले दिल्ली पुलिस ने जो हमें आरटीआई का जवाब दिया वो तो और भी छुपाने वाला है। मैं यहां पर बैठे सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया, पिछले साल 2015 में पूरे 12 महीने में जो दिल्ली एक्साइज एक्ट का जो 40A का कानून है, शराब पी के हंगामा करना या पब्लिक प्लेस पर शराब पीना, ऐसे 63 मामले दर्ज हुए थे पूरे 12 महीने में पिछले साल। और इस साल 2016 में 1 जून तक यानी 5 महीने में जनवरी से लेकर मई तक 66 मामले दर्ज हुए, पिछले 12 महीने में 63 और 5 महीने में 66। आंकड़ा लगा लीजिए 250% ज्यादा है। वो क्यों? उसी आरटीआई में उसने जवाब दिया है कि पहले यहां पर 2 ठेके हुआ करते थे, अब 4 ठेके। क्राइम में 250% का इंक्रीज है पिछले 6 महीना में। क्या होगा? अभी तो पुलिस ना बाकी है, 3-3.5 साल और देखना है इनको। हमें आवाज उठाना पड़ेगा, और हमने आवाज उठाई है, और हम चाहते हैं, योगेंद्र जी से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाएं और इस ठेका को बंद कराएं।